भाई आप चाय क्यों बना रहे हैं? सॉरी मैं लेट हो गई, आप हटे मैं चाय बनाऊं। नहीं नहीं ठीक है मोना, इट्स ओके। मासी नहीं आई आज? हाँ शायद, क्योंकि घर का हाल तो बहुत बुरा हो रहा है। मेरे कमरे की हालत भी बहुत खराब थी। सॉरी भाई मैंने आपका कमरा नहीं देखा, मैं किचन समेट के आपका कमरा साफ कर देती हूँ। मासी नहीं तो दी देख लेती हूँ। हाँ दोनों काम वालियां एक साथ गायब हो गई, हाल तो बुरा होना ही था। तुम किसकी बात कर रही हो? ज़ायदा और फौजिया भाभी की। क्यों ठीक नहीं कह रही? पता नहीं। आज़र भाई भाभी चली गई और आप यहाँ आराम से खड़े हैं जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो उसने जाना था, वो चली गई ना, तुम क्यों परेशान हो रहे? नहीं लेकिन कोई तो वजह होगी ना। इतने महीने साथ रहने के बाद उसे ये एहसास होता है कि वो किसी की जिंदगी में जबरदस्ती दाखिल हुए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को अपनी कीमती जातियों का एहसास तब क्यों होता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, चैन आराम सुकून सब कुछ। यू नो व्हाट भाई, आई डोंट केयर, हम अभी जा रहे हैं और भाभी को लेकर आएंगे, चले मेरे साथ। भाई चले ना, क्या हो गया आपको? आसिम रुको, मैं नहीं कहीं जा रहा। आपको जाना पड़ेगा, वो बीवी है आपकी। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है आसिम, कोई नहीं जा रहा उसको यहाँ से लेने। लेकिन क्यों? अरे उसका दिमाग पहले सातवें आसमान पे है और मत चढ़ाओ। दी उनके दिमाग कहाँ है, वो बेचारी बहुत साबिर औरत है। ये फालतू बहस है, मैं नहीं जा रहा, मैंने कह दिया बस। आसिर भाई शोहर की तवज्जो के लिए बीवी को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उसका हक है। और अगर शोहर उसे वो हक ना दे तो आखिरत में वो खुद जवाबदेह होगा। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको मुझे इतना अरसा बर्दाश्त करना पड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्यों सोचा उसके बारे में? अच्छा है चली गई। वो क्यों सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ थी, जिसके तले उनका वजूद, उनके ख्वाब दबे जा रहे थे। आज तो वो बहुत पुरसकून नींद सोएंगे। इतनी बेवकत थी मेरी हस्ती उनकी नजर में, उन्हें क्यों मेरी कमी महसूस होगी? खुद क्यों नाश्ता बना लिया आपने? मुझसे कह देती। दो दिन के लिए आई हो तुम और मैं तुम्हें काम पे लगा देती। दो दिन बाद घर से निकाल देंगी आप मुझे? देख लेना, शाम तक आज़र या उसके घर से कोई ना कोई आ जाएगा तुम्हें लेने के लिए। कितनी दफा कहूँ मैं आपसे अम्मा, मेरा घर नहीं है वो। तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम्हारा असल घर वही है।
जिस शख्स के लिए मैं उस घर में गई हूँ, जब उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो कैसे मेरा घर हुआ? थोड़ा सब्र से तो काम लो ना, वो भी कबूल कर लेगा तुम्हें। सब्र ही तो कर रही हूँ मैं इतने अरसे से, और क्या कर रही हूँ। हाँ तो फल भी तो मीठा मिलेगा ना, और बहुत जल्द मिलेगा। बेटा हर लड़की को पहले ही दिन ससुराल में उसका मकाम नहीं मिल जाता, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, सब्र बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है। और तुम देखना, आज़र को बहुत जल्द तुम्हारी कमी का एहसास हो जाएगा। ये कपड़े इस्त्री कर दूं, ठीक है? मोना, नाश्ता तैयार है? बस नाश्ता तैयार हो गया। सारे काम फिर से तुम पे आ गए ना? कोई बात नहीं, घर के काम है, हो ही जाते। लेकिन भाई आप भाभी को वापस ले आए, उनके जाने से सारी चीजें अधूरी हो गई हैं। बिला वजह सर जिंदगी हमारे साथ तो नहीं थे ना वो? हाँ, लेकिन अब हम उनके आदि हो गए हैं। क्यों, आप उनके आदि नहीं हो? मैं क्यों आदि हूं उसका? मैंने तो पहले भी उसे कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन भाई साथ रहते रहते तो जानवरों से भी उनसियत हो जाती है, वो तो फिर आपकी बीवी है। तो बीवी है तो क्या करूं मैं? बिना वजह खुशामद शुरू कर दूं उसकी? और किया क्या उसने? बस मुंह उठा के घर से निकल गई। किस बात का नफरत? वैसे सॉरी टू से भाई, हम भाभी उन आम औरतों में से नहीं है जो धमकी देती हैं कि वो अपने महके जा रही हैं। अगर वो गई हैं तो आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी भाई, आपकी वजह से। कोई भी लड़की सिर्फ अपने शोहर की वजह से अपना घर और अपने रिश्ते छोड़कर आती है, और जब शोहर ही उसका ना हो तो घर में रहकर क्या करें? वही बैठी रहे। पता नहीं क्या हो गया भाई, इससे पहले तो कभी इन्होंने गुस्सा नहीं किया। असल में बात यह है कि अभी वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा, भाभी की कमी महसूस हुई तभी इतना इरिटेट है। मोना कहाँ जा रही हो भाई? दीप यूनिवर्सिटी। अरे यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है क्या? ज्यादा कल भी नहीं आई, आज भी उसका कुछ पता नहीं, कौन करेगा सारे काम, घर उठा पुटा पड़ा हो। लेकिन दीप मैं हरगिज अपनी क्लास मिस नहीं कर सकती। घर जाए भाड़ में तुम्हें परवान? दीप मैंने पूरा किचन साफ कर दिया है, अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। फिर किसकी है? जो भी इस घर में रहते हैं सबकी है। हम उन्हें बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर हम इस घर में रहते हैं तो जिम्मेदारी हमारी भी है। अब देखें जब से फौजिया भाभी गई हैं घर सारा डिसऑर्गेनाइज हो गया। क्यों, क्या उससे पहले घर के काम नहीं होते थे क्या? घर के काम होते थे, लेकिन जब से फौजिया भाभी आई हैं तो हम हाथ बांधकर पीछे हो गए, सारी जिम्मेदारियां आ गई थी उन बेचारी पर। बेचारी
मैसी। तो दी आप जरा सोचें, जब मोना शादी करके इस घर से चली जाएगी तो इस घर का क्या होगा? हाँ, क्या मतलब क्या होगा? फौजिया थोड़ी सारी जिंदगी मैके बैठेगी, फिर मेरे भाई की बीवी भी आएगी, वो संभालेगी घर। मेरी बीवी दी, जब मेरी बीवी आएगी ना तो मैं उस पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालूंगा कि वो घर की जिम्मेदारियां संभाले। अगर वो करना भी चाहती है तो वो उसकी चॉइस है। हाँ, जैसी लड़की तुमने अपने लिए पसंद की है उसको तो बातें बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं। आसिम, आज हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। बहुत प्यारी लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है, मान से चांद का टुकड़ा, इतना प्यारा लगेगा मेरा भाई उसके साथ, चलेंगे ठीक है? दी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं फारिया के अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। ये बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? चलो मोना। फारिया तो इस घर में कभी नहीं आएगी। दी के इरादे नहीं है फारिया को घर लाने के। पता नहीं भाई, दी पसंद की शादी के खिलाफ क्यों है? हाँ तो उनके इरादों से क्या होता है? भाई देखो, सीधी सी बात है कि मेरी मोहब्बत के सामने उनके इरादे ठहर नहीं सकते। अच्छा, तो क्या वाकई आपको फारिया से मोहब्बत हो गई है? तुम्हें क्या लगता है, ये लड़ाई मैं बिला वजह की कर रहा हूँ क्या? जाहिर सी बात है, वो मुझे अच्छी लगती है, तभी तो मैं उसके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ उसके लिए। अल्लाह करे आज़र भाई को भी फौजिया भाभी से इसी तरह मोहब्बत हो जाए। हो जाएगी, भाभी का सबर भाई के दिल को मोम कर ही देगा। आपको यकीन है इस बात का? Most definitely. पता है मोना, मोहब्बत जो है ना उसमें बहुत ताकत होती है, और फौजिया भाभी की मोहब्बत भाई को उनसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। Excuse me. जी? सब स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं? एक्चुअली सर इफ्तिखार की तबीयत खराब है तो वो आज लेक्चर नहीं देंगे। क्लास फ्री थी तो सब स्टूडेंट्स हैंग आउट करने चले गए। लेकिन सर ने तो कहा था कि आज चैप्टर 5 की तैयारी करके आना। आप जी बिल्कुल, आप एक्चुअली नोट्स प्रिपेयर किए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए, जब आप पढ़ लें तो वापस कर दीजिएगा। दी नहीं मानी। मान जाएंगी ना यार, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? आई एम 100% श्योर अबाउट इट। हाँ, और उनके मानने तक मैं बैठी रहूं और बूढ़ी हो जाऊं। बूढ़ी हो जाओगी मोहतरमा, आपको बूढ़े होने में ना कई साल हैं। लेकिन सॉरी, मैं अच्छे टाइम पर शादी करना चाहती हूँ, सही टाइम पर। कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैं शादी कर लूंगी। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी समझ लो। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जैसे ही फौजिया भाभी वापस आ जाती है ना फिर मैं करता हूँ कुछ। वो कहाँ गई? यार वक्ती अम्मी के घर चली गई। ओह, आई नो राइट? मतलब मोना और मैंने दी और भाई को काफी समझाने की कोशिश भी की थी कि यार आप लोग अपना गुस्सा थूक दें, मना लें उसे, घर ले आए वापस, लेकिन कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। तो हम चल के ले आते हैं उन्हें। हम? हाँ हम। तुम्हें अंदाजा भी है कि भाई कितना खफा हो जाएंगे? तो भाभी को देख के राजी भी तो हो जाएंगे ना। फारिया बात को समझने की कोशिश करो कि भाई को भाभी से इतनी दिलचस्पी नहीं है कि जैसे ही वो उन्हें देखेंगे उनका दिल पिघल जाएगा। आसिम, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना टाइम हो गया उनकी शादी को, थोड़ी सी मोहब्बत तो होगी ना। यही तो मसला है ना। अच्छा खैर, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम भाभी को क्या बोलेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि जो हम उन्हें बताएंगे वो मान जाएंगी, आ जाएंगी हमारे साथ?
हम उनको बोलेंगे कि हमें आज़र भाई ने भेजा। लड़की तुम्हें पता है कंफर्म तो मुझे मरवाओगी। कोई नहीं मरते तुम, कल चलते हैं उनको लेने। चलो चलो। के नोट्स, थैंक यू। मैं यकीन कर ही नहीं सकती। भाभी आप क्यों यकीन नहीं कर सकती? एक औरत की सब्र बर्दाश्त में बड़ी ताकत होती है। पत्थर कभी पिघला नहीं करता। लेकिन टूट तो सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि वो टूटे, और वो भी मेरी वजह से। कमाल है भाभी, आज़र भाई आपके साथ इतना मिसबिहेव करते हैं और आप उनको जरा सा झुकावा भी नहीं देख सकती। एग्जैक्टली फारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। सफिया आंटी आप तो प्लीज भाभी को समझाने की कोशिश करें कि वो मान जाए। बेटा क्यों जिद कर रही हो? जाओ शाबाश, जाओ इनके साथ। अम्मी मैं जिद नहीं कर रही, मैं जानती हूँ आज़र ने इन लोगों को नहीं भेजा है। अगर उन्हें मुझे वापस बुलाना ही होता वो खुद आते लेने। देखिये भाभी अब वो इतने भी अच्छे नहीं है, थोड़ी बहुत आना है। देखें भाभी हो सकता है कि वो आपको वापस बुलाकर फिर से अजनबी बन जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। प्लीज भाभी मान जाए ना, घर चले। ग्रेट, अब भाभी मान भी जाए चले हमारे साथ प्लीज। फौजिया क्यों अपना घर खराब कर रही? बच्चे कितना इसरार कर रहे हैं, तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे? अम्मी मैं तो पहले दिन से अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग सब यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं वापस चली जाऊंगी। मैं सामान लेकर आती हूँ। बैठो बेटा। जी कावर, कावर क्या हो गया? सांस क्यों फूला हुआ है तेरा इतना? उसने मुझे थैंक्स कहा। किसने? मोना ने, और किसने? उसे मैंने कल नोट्स दी थी कॉपी करने के लिए, उसने आज मुझे वापस किए और मुझे थैंक्स कहा। ये तो काफी अच्छी न्यूज है। हाँ यार प्लीज बस तू मेरे काम कर दे। हाँ बोल यार, उसे मेरी मुलाकात करवा दे। अब कैसे मुलाकात करूँ? फरा को बोल देना कि तेरी बर्थडे। मेरी बर्थडे आज या कल नहीं थी, पिछले मंथ थी। यार कुछ नहीं होता, तुम कुछ भी बोल के मेरी अरेंजमेंट करवा दो प्लीज। यार नुमान नहीं हो सकता, क्यों मुझे फंसवाने पे तुला हुआ है तू? यार खबर कुछ नहीं होगा ना, समझा करना बात को यार। अच्छा चल ठीक है यार, मैं कुछ करता हूँ करता हूँ। होम स्वीट होम भाभी। अच्छा सुने, वो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई भी मसला हो तो हम देख लेंगे, ठीक है? मसला? मसला क्यों? आज़र ने बुलाया ना मुझे। आज़र भाई ने आपको बुलाया, भला फिर क्या मसला हो सकता है? एनीवेज आप अपने कमरे में जाएं, आराम करें, आप थक गई होगी।
और भाभी ये आप ही का घर, आप जितनी जल्दी इस हकीकत को अपना लेंगी खुश रहेंगी। अच्छा वो आपका बैग मैं ले जाऊं या आप ले जाएंगे? नहीं मैं ले जाती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आसिम मुझे घर छोड़ो। हाँ हाँ चलो। फारिया मुझे ना टेंशन होने लग रही है। अब किस बात की? यही कि हमने सब कुछ कर तो दिया है मगर ये नहीं पता कि आसिम भाई किस तरह से रिएक्ट करेंगे। आसिम अगर तुम इतने कावड़ हो तो पहले बता देते, हम ये स्टेप उठाते ही ना। कमाल है यार, मतलब किस बात पे कावड़ कह रही हो मुझे? तुमने तो जज्बा दिलाया था कि जाओ बोलो, फिर मैं पहुंच गया उनको लेने के लिए, मतलब फोर्स ही क्यों किया यार? I'll talk to you later. Thank you. The office. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Aasim, tum office mein? Ghar mein sab theek hai? Haan bhai, wo sab khairiyat hai. Tension lene ki koi baat nahi, wo aapka laptop use karna tha. Can I use it please? If you don't mind. Kya hua, kya karna chah rahe ho tum? Kuch nahi, ek chhota sa zaruri kaam tha. Aap baithe na, it's completely fine. तुम्हारे लिए चाय कॉफी मंगवा? नो इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, अभी मूड नहीं, बट थैंक यू। हाय वो भाई के ऑफिस आ गया हूँ, ये बात कर लें प्लीज। आसिम ने मुझे बताया कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। देखो मुझे तुमसे मोहब्बत कभी नहीं थी, शायद हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो एक वक्ती ताल्लुक था। रही बात एक दूसरे की जिंदगी में आने की, तो जोड़े तो आसमान पर बनते हैं ना,
अल्लाह ताला ने मेरा जोड़ मेरे हस्बैंड के साथ ही लिखा था और तुम्हारा मेल उस लड़की के साथ। अब तुम अपने माजी को याद करके प्लीज अपने उस रिश्ते को मत खराब करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए लिखा है। आज़र, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतनी खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी याद तक नहीं आती। आज़र, ये कुदरत के फैसले हैं, मुझे मेरे शोहर से मिलना ही था और तुम्हें उस लड़की से। आज़र, मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ, जहाँ से मेरा वापस आना नामुमकिन है और ना ही मैं अपनी जिंदगी से ऐसे कोई डिमांड करती हूँ। इसलिए मेरा तुम्हें भी यही मशवरा है, जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को मान लो और अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर कर लो। आज़र, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, बेहतर है कि तुम भी कर लो। खुश रहो, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, जो है उसे कबूल करो, हो सके तो मेरी बातें समझने की कोशिश जरूर करना, शायद ये हमारी आखिरी बार बात है। तब ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। हमारे बीच में जो भी रिश्ता था वो एक वक्ती ताल्लुक था। जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, अल्लाह ताला ने मेरा जोड़ मेरे हस्बैंड के साथ ही लिखा था और तुम्हारा मेल उस लड़की के साथ। अब तुम अपने माजी को याद करके प्लीज अपने उस रिश्ते को मत खराब करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए लिखा है। मेरी तरफ पलटो मत, बात सुनो। मैंने हजार बार कहा तुम्हें कि रिश्ता मैंने मजबूरी में किया था। मुझे एक मौका मिला, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालता हूं। हिम्मत करो उसके सामने जाने की, सब कुछ जो मैंने उसके साथ किया उसके बाद वो कभी घर लौट कर नहीं आएगी। खुदाया मुझे हिम्मत दे, तू जानता है मेरे मालिक कि मैं अपनी गलती पे नादिम हूं, लेकिन ना क्या तो मजबूर भी हूं, तू ही कोई राह निकाल दे। बुलाया तो मैं आ गई।
क्या आपने नहीं बुलाया? मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने ही बुलाया था। मैं जानती थी आपने नहीं बुलाया, और अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चली जाती हूँ। फौजिया, फौजिया, कहना है तुमसे। कभी कभार इंसान किसी शराब के पीछे भागते भागते भूल जाता है कि हर आंखों को भाने वाली चीज फायदेमंद नहीं होती। इसी नतीजे में इंसान खुद का नुकसान कर बैठता है, फिर पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं बचता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुदरत ने मेरे लिए कितना अच्छा फैसला किया था, लेकिन मैं बेहतर या शायद कमतर की तलाश में खुद को ख्वार करता रहा। अब कम से कम मुझे एहसास तो हुआ कि मैंने गलत सोचा था, लेकिन सिर्फ शर्मिंदा नहीं, मुझे तुमसे माफी भी मांगनी है। किसी शराब के पीछे नहीं भागूंगा, सिर्फ तुम्हारा होके रहूंगा हमेशा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, माफ कर दो मुझे। नहीं आया कि आपने क्या कहा। आज पहली बार आपने जितनी अपनाइयत, जितनी मोहब्बत से मेरा नाम लिया, मेरे लिए तो यही काफी था। आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया ना जाल वे, बेकदरा क्यों। जब से आई अपने कमरे में घुस के बैठी हुई है, और आजर भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया। आजर भाई आ चुके हैं, वो उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है। आ गया ऑफिस से इतनी देर से अपने कमरे में? मोना जरा बुलाओ उनको, कहो जाके चाय ठंडी हो रही है। छोड़े ना दी, दोनों आ जाएंगे, इतने दिनों बाद मिले। कौन सा इश्क है दोनों में जो दो दिन बाद मिले हैं तो कोई फर्क पड़ता है? अभी देखना, नीचे आएंगे तो एक का मुंह बना होगा, दूसरा सड़ा हुआ होगा।
वाह भाई क्या बात है, मेरी आंखें क्या देख रही है।